माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब पिछड़ा के लिए काम किया, ये कोई इग्नोर कर सकता है? धरती पर नहीं कर सकता। तो भला मुकेश सहनी का क्या अपराध है कि मैं इग्नोर करूंगा? मैं उनको हमेशा मानते आया हूं, आगे भी मानते रहूंगा। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच इन दिनों जो दूरियां बढ़ी है, उन सब के बीच लगातार मुकेश सहनी लालू प्रसाद यादव को नेता बता रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जो लालू प्रसाद यादव ने अब तक पिछड़ा समाज के लिए जो काम किया है वो सभी लोग जानते हैं, मैं भला इग्नोर कैसे कर सकता हूँ, मैं भी उन्हें नेता मानता हूँ। बेशक आज राजनीतिक दृष्टिकोण से वो अलग हैं, लेकिन पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। पूरे बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। तारीफ करें माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब पिछड़ा के लिए काम किया, ये कोई इग्नोर कर सकता है? धरती पर नहीं कर सकता। तो भला मुकेश सहनी का क्या अपराध है कि मैं इग्नोर करूंगा? मैं उनको हमेशा मानते आया हूँ, आगे भी मानते रहूंगा। कहा कि अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से वो अलग है, हम अलग है, और वो अपने काम राजनीति कर रहे हैं, हम अपने काम कर रहे हैं। तो जिस रोज हमारे उनके विचार अलग रहेंगे, तब लोग हम लोग अलग रहेंगे। आप कल, आप अभी पत्रकारिता जगत में है, आपका विचार अलग है। कल अगर आप चाहिएगा वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ के राजनीति करने का, तो आपका और मेरा विचार एक हो जाएगा। अभी तो आप हमसे उल्टा सुल्टा सब जवाब दीजिएगा, तो हमको कोई चीज में सुन के अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा भी लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपका अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो उसी तरीके से कल अगर वीआईपी ज्वाइन कर लीजिएगा आप, तो आप हमारे अपने अच्छे मित्र हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। अच्छा मंत्री जी, आपके तीनों विधायक आपके साथ हैं, आपके तीनों विधायक क्या आपके साथ हैं? क्योंकि वो बोलते हैं ये सब पे, देखिए ये सब एक एजेंडा है, और ये एजेंडा पे कृपया करके आप लोग ना बात करें। अगर ये बात ही भी करना है तो उस माननीय विधायक से बात कर लिया जाए कि वो विधायक क्या चाहते हैं, इससे अच्छा स्पष्ट जवाब वो दे देंगे। हमें तो पता है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सारे विधायक वीआईपी पार्टी का है और मजबूती से रहेंगे, ठीक है। कल भी राजू जी परसों आके गए, मिलके गए, आगे की पॉलिसी बना रहे हैं, तो उसमें हमसे ज्यादा बेहतर उन लोगों से आप पूछ लेंगे। धन्यवाद। आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को, जिन्होंने साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से नेता बताया है। बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच दूरियां बढ़ती है, बयानबाजी हो रही है, उन सब के बीच लगातार मुकेश सहनी लालू प्रसाद यादव को नेता बता रहे हैं, तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बता रहे हैं। और आज उन्होंने एक बड़ी बात कह दी और साफ तौर पर कहा है कि अति पिछड़ा समाज के लिए जो उन्होंने काम किया है, अति पिछड़ा समाज इग्नोर नहीं करता है, तो भला मेरी क्या हैसियत है जो मैं उनको इग्नोर करूँगा? वो जो काम किया है वो सभी लोग जानते हैं। आज हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन मत मिलेंगे हम लोग फिर साथ हो जाएंगे। 2025 तक हमारा गठबंधन एनडीए में है और एनडीए के साथ ही हम रहेंगे। एक बड़ी बात कही है कि एनडीए में 2025 तक है, 25 के बाद वो भी अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद रहेंगे। तो इसको देखते हैं, देख रिलायंस बिहार, नमस्कार।